अल-आराफ 7:142 में जो लिखा है, हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और हमने उसे 10 से पूरा किया, हाँ इसमें रोजे का या फास्ट का कोई जिक्र नहीं है क्या? नहीं, हमने देखे ये जो 40 रातें हैं ना, ये रातें रातें जो है ना कुरान मजीद में बहुत जगह रात का जिक्र है। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल बरकत, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिर हराम, और रातों में लगा है 2/3 ऑफ द नाइट, 1/3 ऑफ द नाइट। तो रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रात जो होती है तो अल्लाह कहता है रोज़े की रातों में तुम रफ़ासा कर सकते हो अपनी बीवियों के साथ। तो रात में रोज़े की रात इसलिए रोज़े रखे, उसको मैंने रिलेट किया क्योंकि रोज़े की रमज़ान मोहतरम है, महीना मोहतरम महीना का रमज़ान महीना मोहतरम है बिकॉज फास्टिंग की वजह से। रात में थोड़ी वो कुछ मोहतरम है, वो पूरा महीना मोहतरम है, लेकिन हम दिन में हम फास्टिंग करते हैं। और अगर मैं इतकाफ़ में बैठ जाऊँ तो फिर मैं मुबाशरत नहीं करूँ तो वो मोहतरम होगी। तो अब ये इसलिए मैंने कहा कि वो अगर आप किसी से पूछें वो 30 रातें कौन सी, वो कहेंगे रमज़ान की 30 रातें, पहले 30 रोज़ होते थे फिक्स, हालांकि 29-30 हैं बेसिकली, तो मैंने 30 फिगर ले लिया। बाकी 10 रातें मैंने रोज़े से ही रखा क्योंकि रोज़े ही से रिलेटेड है रातें, वरना आप कोई और रात मुझे बता दें बग़ैर रोज़े की। लैलतुल क़द्र लैलतुल बरकत एक रात, लैलतुल क़द्र जो है वो भी रमज़ान से रोज़े से रिलेटेड है, लैलतुल बरकत भी उन्होंने बना दी शबे बारात, वो भी वरना दूसरे रोज़ा रखवा देते हैं आपको। मुबारक है तो एक ही रात, लेकिन लोग अगर बनाते हैं शब बारात तो फिर भी रोज़ा आपको रोज़ा रखवा देते हैं। तो रोज़े से की वजह से इसलिए मैंने उसको कहा कि ये रोज़े ही हैं, दिन में रोज़े होते हैं। आप समझ में क्या कह रहा हूँ? वैसे तो कुरान में 4 रातें लिखी हुई, 40 रातें, 30 रातें और 10 से तमाम किया, तो 30 तो समझ में आती है कि वो रमज़ान की हैं। और ये 10 रातें वो 10 साल जो उन्होंने किए ना, उससे कैलकुलेट पूरा एग्जैक्ट टाइम हो जाता है, 3 महीने 10 दिन, वो कैलकुलेट हो जाता है इसलिए। सही है, ठीक है, शुक्रिया।